डकरा वीआईपी क्लब में आयोजित बिहार कुलरी कामगार यूनियन का 2 दिवसीय रीजनल सम्मेलन का समापन शनिवार को हो गया। सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष मिथिलेश सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए मजदूरों को एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन के अंतिम दिन बिहार कुलवरी कामगार यूनियन रीजनल कमेटी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें मुख्य संरक्षक मिथिलेश सिंह को बनाया गया, रतिया गंजू को कार्यकारी अध्यक्ष, बसंत कुमार को अध्यक्ष, जंग बहादुर राम और गौतम बनर्जी को उपाध्यक्ष, धनेश्वर तुरी को सचिव, अर्जुन सिंह को संयुक्त सचिव, संजय कुमार शर्मा और श्याम सिंह को सहसचिव, इरफान खान को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में केशव यादव, उत्तम कुमार, अरुण तिर्की, संजीवन सिंह, फरहारी महतो, सहदेव राव, शंभू कुमार, अमित कुमार का चयन किया गया। इस सम्मेलन को सफल बनाने में जोलन अध्यक्ष रतिया गंजू, इरफान खान, जंग बहादुर राम, संतोष मेहता, मिथिलेश पासवान समेत क्षेत्रीय कमेटी के सदस्यों का अहम योगदान रहा। सम्मेलन में मुख्य रूप से केंद्रीय सदस्य धनेश्वर तुरी, रविंदर पासवान, दशरथ सिंह, इंदर सिंह, श्याम कुमार सिंह, शंकर रजवार, गिरधारी बेदिया, देवनाथ करमाली, वकील महतो, सिकंदर महतो समेत कई क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लुट ले जगह जमीन सगे माता सगे करू, लुट ले जगह जमीन सगे माता सगे करू, सब करे भाई बहन पार करू बेड़ा पार, सब करे बेड़ा पार कर बेड़ा पार, सब करे बेड़ा पार करू, ठेक ले जगह जमीन सगे माता सगे करू, ठेक ले जगह जमीन सबे माता सबे करो, सब करे भाई बहन पार करू बेड़ा पार, सब करे बेड़ा पार कर बेड़ा पार, सब करे बेड़ा पार। मैं क्षमा चाहता हूं, कल मैं आपका सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण था कि झारखंड सरकार का मिनिमम वेजेस हर एक 5 साल पर तय होता है। जैसे आपका जेबीसीसीआई में 5 साल में वेतन समझौता होता है, वैसे ही झारखंड सरकार का भी मिनिमम वेजेस हर एक 5 साल पर तय होता है। कैसा रहा आप लोग का सम्मेलन? सम्मेलन तो बहुत बढ़िया रहा, सफल हुआ सम्मेलन। और सम्मेलन में हम लोगों ने अपने साथियों को समझाया कि आने वाला दिन कोयला खदान में बहुत संकट का समय है। कोयला खदान को निजीकरण किया जा रहा है, शेयर बेचा जा रहा है, हमारा जो पैसा था सब जो है प्रधानमंत्री ले लिए, 64,000 करोड़ रुपया कोल इंडिया का ले लिए प्रधानमंत्री। अब हमारे पास फंड नहीं है और बोलते हैं चलो, हाथ गोड़ बांध दिया गया है, चलने के लिए मजबूर किया गया है। कोयला में मजदूरों की संख्या घट रही है, सब आउटसोर्सिंग में काम हो रहा है, आउटसोर्सिंग में काम करने वाले मजदूरों का भी वेतन तय हुआ है लेकिन वह वेतन दिया नहीं जा रहा है। ट्रांसपोर्ट में जितना मजदूर लगे हुए हैं, साइडिंग में जो मजदूर लगे हुए हैं, CSP में जो मजदूर लगे हुए हैं, वासरी में जो मजदूर लगे हुए हैं, उनको हाई पावर कमेटी का वेतन नहीं मिलता है। हम लोगों का ये फैसला लिए है सम्मेलन में कि उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हाई पावर कमेटी का वेतन दिलाएंगे। NCW 11 जो समझौता हुआ उसमें अफसर लोग चले गए हैं जबलपुर हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने कह दिया कि NCW 11 जो है इससे क्या भी लागू नहीं हुआ, उसके खिलाफ में हम लोगों को लड़ाई का फैसला लिए है। 12-13-14 तारीख को हड़ताल होगा, उस हड़ताल को समाप्त।